वो मैं क्या यारो, मैं तो उन्यो बिजली माफ करता फ्री जाना, पानी माफ करता फ्री जाना, असली लुटता केबल आने ने पाई भी है। इन्हों सीधे करना है, इन्हों सीधे करना है। आ हूं इन्हों की केबल बढ़नी है, मैं या तो सीधे हो जाएंगे या केबल बढ़ी जाएगी। 100 रुपये से ज्यादा इन्हों का मतलब नहीं है कोई बनता लेन का। लुधियाने वाले मुख्यमंत्री के तौर पर ऐलान कर रहे हैं 100 रुपये से ज्यादा किसी ने नहीं देना, घर आए नूं वापस मोड़ दिओ, मैं जिम्मेवार हैं। बड़िया बड़िया बसा शीशे वालिया एसी बसा देखिया फिर थाने विच खड़िया, और राजा बड़िंग नाल खड़ा देख गया सारिया नूं। आम लोगों का राज आ गया पंजाब च, केबल नैटवर्क 100 रुपए के बाद कोई ना दिओ लुधियाने वाले, मैं अज दस के जा रहा। जेड़ा 100 रुपए से ज्यादा दे रहा वो मुजरम है, जिन्हों की कोई सिफारिश नहीं है, जिन्हों को रिश्वत देव नु पैसा नहीं है, उन्हों की सिफारिश चरणजीत चन नहीं है। अज महसूस हो रहा कि आम लोगों का राज है, अज तक सुनवाई नहीं सी इस तरह की। ऐसी 3 रुपये बिजली का रेट घटाता जोड़ा कदे कितने नहीं होया, सारे हिंदुस्तान नालों अज पंजाब दे विच बिजली सस्ती। कहिंदे जी पंजाब मिशन शुरू किया केजरीवाल ने, इहदा मतलब क्या है कि दिल्ली तो आके राज करना पंजाब नूं जितना है। क्यों भाई, पंजाब बंजर धरती है, पंजाब का कोई मालिक नहीं है, पंजाब दे विच पंजाबी नहीं रहते, तुसीं दिल्ली ते आके राज किवें करोगे। अज महसूस हो रहा कि आम लोगों का राज है, अज तक सुनवाई नहीं सी इस तरह की। गरीब बड़े बड़े बिजली के बिल लेके गलिया च घूम रहे, लीडर कोल घूम रहे, कोई कहना मेरा 50,000 का बिल आया वे, किसी का गरीब का मीटर कट हो गया ते भरपाई नहीं हो रही, बिजली का बिल दे के बाद बचता ही कुछ नहीं सी घर चलाने वास्ते। लेकिन 53 लाख परिवारों के 2 किलोवाट के सारे बकाए माफ किए हैं, 1500 करोड़ रुपया आम लोगों के कोल गया, सारे पर लीक मार दिती है। कई मनु कहते जी ऐलान होंगे लागू नहीं होंगे, लेकिन अगला बिल जेड़ा आया उदे पर लिखिया होया आ गया, थोड़ा पुराना इन्ना बकाया सरकार ने भर दिता है, नाल दी नाल फैसला लागू। बिजली इन्नी महंगी कि गरीब आदमी आम आदमी मिडिल क्लास के लोग जब बिजली का बिल दिंदे तो घर का बाकी खर्चा चलाउण नूं कुछ नहीं रहिंदा। मेरे घर का अपना बिजली का बिल, मेरी वाइफ है जी, मेरी घर वाली है वो डॉक्टर है, उसकी तनखाह हो जाता है, जब बिजली का बिल एडा बड़ा आ जाता मैं मेरे वालों देख लग जाती मेरे खाते में जाने। ऐसी 3 रुपये बिजली का रेट घटाता जोड़ा कदे कितने नहीं होया, सारे हिंदुस्तान नालों अज पंजाब दे विच बिजली सस्ती। अगले थोड़े जोड़े बिल आने अद्धे अद्धे आने हैं, अद तो भी घट जाने हैं। केजरीवाल जी कहते ऐसी 400 यूनिट बिजली का 300 यूनिट माफ करा, लेकिन जिदन 300 पूरे हो गए, जो 301 हो गया तो 300 का भी बिल लगेगा। यही दिल्ली के मॉडल है इन्हों का कि 400 यूनिट तक माफ है, जे 401 हो गया तो 400 का भी बिल लगना। कि लुधियाने घर है जिदे 400 यूनिट नहीं बढ़ते, यदा मतलब लुधियाने जी तो किसी का माफ होना ही नहीं, बेवकूफ बनाना है सानू। कहिंदे जी पंजाब मिशन शुरू किया केजरीवाल ने, इहदा मतलब क्या है कि दिल्ली तो आके राज करना पंजाब नूं जितना है। क्यों भाई, पंजाब बंजर धरती है, पंजाब का कोई मालिक नहीं है, पंजाब दे विच पंजाबी नहीं रहते, तुसीं दिल्ली ते आके राज किवें करोगे, किवें तुहानूं पंजाब संभाल दीए, जो दिल्ली के नुकसान कर रहे हो
आ बहानेबाजी चलूगी कि 400 यूनिट माफ, जे 400 एक होगी तो 400 दे पैसे पै जाने, ये कोई सट्टा है? आ जिहड़ा असी 3 रुपए घटाए है इहदे नाल थोड़ा बिले थोड़ा जिहा आउणा है। जिहड़े 100 यूनिट तक बाल दे, 100 यूनिट तक का रेट 1 रुपया रह गया। इस करके एक बड़ी राहत पंजाब के लोगों नूं मिली। बिजली पानी दे बिल, पानी दीआं टैंकियां दे बिल माफ कीते, पुराने सारे बकाए थोड़े माफ हो गए। लेकिन अगे नूं भी जिहड़ा 250 रुपए बिल आउंदा सी उह 50 रुपये आउण लग गया। हुण तुहाडा सिर्फ बिल पानी का 50 रुपए आए करना। लुधियाणे वाले सुन लो, कोई 250 नहीं, कोई 400 नहीं, कोई 500 नहीं। रेता 22 रुपये बिक रहा सी ना दरिया ते। मैनू कहंदे जी तू कर नहीं सकदा ये काम, नूं इहदे विच बड़े बंदे इनवॉल्व है, इहदे विच पुलिस इनवॉल्व है, ये बड़ा माफिया है, नहीं हो सकता। देते एक दिन अफसरां दी मीटिंग बुलाई है। मैं क्या रेता 5.5 रुपये दरिया पर बिचे भराई, बिचे जमींदार दे पैसे, बिचे ठेकेदार दे 5.5 रुपया रेट दरिया पर मिल रहा। हूँ 22 रुपये वाला 4 गुना रेट घटाते हैं। जे कि ना मिलता हो मनु आके फड़ लो। ये काम करने के तरीके है, यही अफसर है, यही लोग है, यही कर्मचारी है। अज सीधे होके काम कर रहे, अज क्यों नहीं रेता 22 रुपये बिकता, क्यों 5.5 रुपये बिकता? क्योंकि सोच साफ, नीति नेक है, पार्टी और सरकार मिलके चल रहे, दोनों की सोच है कि माफिया खत्म करना है और सही रेट से सही चीज लोगों तक पहुंचानी। हुण मेरी अगली अक केबल वालिया पर है। ये बड़ा लुट रहे हैं। मैं हुणे पता करिया आशु जी से, कई भरावां दे पुछिया, मैं क्या यार रेट किन्ना है केबल का? 400 तो लेके 1000 रुपये तक है। जे थोड़े जे 2-4 चैनल चलाने 400 रुपया। वो मैं क्या यार मैं तो उन्हों बिजली माफ करता फिरी जाना, पानी माफ करता फिरी जाना, असली लुटता केबल वाले ने पाई भी है। इन्हों सीधे करना है, इन्हों सीधे करना है। आ हुण इन्हां दी केबल बढ़नी है। मैं या तो सीधे हो जाएंगे या केबल बढ़ी जाएगी। 100 रुपये से ज्यादा इन्हों का मतलब नहीं है कोई बनता लेन का। लुधियाने वालिओ मुख्यमंत्री के तौर पर ऐलान कर रहे हैं 100 रुपये से ज्यादा किसी ने नहीं देना। घर आए नूं वापस मोड़ दिओ, मैं जिम्मेवार है। असल दे विच मैं इन्हां दा कोड बढ़ना है। ये जिहड़े काम केबल नैटवर्क दे है पंजाब दे नौजवानां नूं देने है, आम घरां नूं देने है। इको परिवार सारे पंजाब नूं सांभी बैठा है। बादलां दा ही सब कुछ चल रहा है। बड़ियां बड़ियां बसां, शीशे वालियां एसी बसां देखियां, फिर थाने विच खड़ियां और राजा बड़िंग नाल खड़ा देखिया, दिख गया सारिया नूं। जद मैं ओपोजिशन लीडर था जद ऐलान करिया सी कि आ बादलां दीआं बसां थाणियां विच खड़ियां दिखाणियां, दिख गईआं। ठीक है, 4.5 साल नहीं दिखा सकिया, कैप्टन दा राज सी, उह भी मिले होए सी। सारे इक्को थाली दे थले चट्टे बट्टे कट्ठे होके लुट रहे सी। उत्तर कांटो मेरी बारी, हुण बादल चढ़ गए, अगली बारी सुखबीर चढ़ जूगा, फिर बादल चढ़ गए अगली बार। एक काम खत्म करता राहुल गांधी ने, आम लोगों का राज आ गया पंजाब। केबल नैटवर्क 100 रुपए के बाद कोई ना दिओ लुधियाने वालिओ, मैं अज दस के जा रहा। जेड़ा 100 रुपए से ज्यादा दे रहा वह मुजरम है, फिर ये बादल मुजरम नहीं होंगे। लेकिन एक तुहानू दस दिंदा, इन्हां दी मैं रस्सी बढ़न की तैयारी लग्या होया, ये रस्सी बढ़नी है। सारे परमिट इन्हां दे कैंसल कर रहे हैं, अपने नौजवान वर्करां नूं दवांगे। जिहड़े लोग जिन्हां दी कोई सिफारिश नहीं है
जिन्हों को रिश्वत देव नु पैसा नहीं है उन्होंने सिफारिश चरणजीत चन्नी है। जेड़ियां नौकरी मैरिट से नहीं मिलती उन्होंने सिफारिश पंजाब सरकार है, कांग्रेस पार्टी है, नवजोत सिंह सिद्धू है। लेकिन एक भी जो नौकरी देनी है मैरिट से देनी, पैसे और सिफारिश के नाल नहीं देनी। 1 लाख नौकरियां नवीं कढ़ रहे